अभी देखिए कितना गाड़ी यहाँ पे आ गया है। रात में तो पूरा भर जाता है, सुबह सुबह कुछ कुछ गाड़ी चला जाता है। कौन मछली खाया है? ये वाला। ये कौन मछली वाला? ये वाला पंगास बोलता है। दोस्तों मेरा कढ़ाई चढ़ चुका है, तेल भी देखिए गर्म हो गया है। अब देखिए सब चीज रेडी है हमारा, अब जा रहे हैं इसको तल के निकालने के लिए। दोस्तों पार्टी का कहना है कि गाड़ी जब यहाँ तक आ गया है तो गाड़ी पूरा जगह पर पहुँचा दीजिए। डाइटिंग दोस्तों इनसे करवाएंगे ही, इसलिए इनका अभी दो रोटी सिर्फ बनाए थे। थोड़ा टहलेंगे तब जाके खाना पचेगा। यहाँ से वहाँ दौड़ के आइए एक राउंड। दौड़ के यार, जो हम लोग का सबसे लंबा ट्रिप था वही सबसे थोड़ा खराब ट्रिप बन गया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछला ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग पंखा होटल पर खड़े हैं, तो अभी भी हम लोग खड़े पंखा होटल पे और सुबह का अभी 9 बज रहा है और अभी तक हमारा पास कोई कॉल नहीं आया उधर से। जैसे उधर से कॉल आएगा तो हम लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे फिर। तो अभी तो सुबह सुबह इतना जल्दी कॉल नहीं आएगा, कम से कम 12 तो बज ही जाएगा कुछ भी डिसाइड होने में। तो जैसे उधर से कॉल आता आज, तो हम लोग यहाँ से मेघालय के निकल जाएंगे। मेघालय का तो ज्यादा सफर नहीं रह गया, 500 किलोमीटर और रह गया है, तो ज्यादा सफर नहीं, हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। दोस्तों हम लोग सुबह सुबह तो नहाने का सोचे थे लेकिन अभी नहाए भी नहीं है। हम गाड़ी को लॉक कर रहे हैं हम लोग। अब जा थोड़ा सा यहाँ बगल में ही बाजार है तो वहाँ पे जा रहे हैं मछली लाने के लिए। तो आज सोचे मछली बनाते हैं, ऐसे भी आज बुधवार है। तो देखिए अभी पापा भी आ गए, हम गाड़ी को लॉक करके यहाँ बगल में बाजार है, ज्यादा दूर है नहीं, 500 मीटर के आसपास होगा। ठंडा बहुत है तो ठंडा वही सोच रहे आज बनाया जाए। अभी देखिए कितना गाड़ी यहाँ पे आ गया है, रात में तो पूरा भर जाता है, सुबह सुबह कुछ कुछ गाड़ी चला जाता है। तो इधर तो सारा गाड़ी ये लोग खड़े होने वाले है। अब ये लोग पता नहीं कल या परसों यहाँ से निकलेंगे। बोले कैसे मछली? 200। यही सब? 160। कौन मछली खाएगा? ये वाला। यही लोग निकाल दिए, थोड़ा कम है, कम लीजिएगा, ज्यादा मत लीजिएगा। एक किलो 200 ग्राम। 200 तो नहीं है, कम है, थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा होने से तो। चलो बनाइए, रू मछली लिए हैं, यही बनाया जाए। ये कौन मछली वाला? वाला पंगास बोलता है, जिसमें हड्डी नहीं रहता है का? नहीं, सिंगल का है। कैसे है वो? 180। चलो बहुत 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 बड़ा हो जाएगा हम लोग के लिए। तो मछली तो ले लिए दोस्तों, ये देखिए, और अभी कुछ सब्जी भी ले रहे हैं। अभी पता नहीं है कितना दिन रुकना पड़ेगा, तो खाना तो बनाना पड़ेगा। दोस्तों अभी मछली और सब्जी दोनों ले लिए, अब हम लोग वापस गाड़ी के लिए जा रहे हैं। ये देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर भी नहीं है, 100 मीटर होगा ना, 100 मीटर के आसपास होगा। गाड़ी के पास आ गए दोस्तों, और ये देखिए, ये गाड़ी देखिए मूछ वाला और अपना गाड़ी बिना मूछ वाला। बोलते हैं मूछ उछ लगाने के लिए तो नहीं लगवाते उसका टायर में, देखिए ये सब भी हम बोलते हैं लगवाने के लिए तो नहीं लगाते, लगा लेना। ज्यादा कुछ लगाने से गाड़ी को लोग आंख लगता है, नया गाड़ी हाई फाई थोड़ा सजाता आदमी, बाद में थोड़ा सा आदमी अपने अपने ढीला पड़ जाता है। कितना अच्छा लग रहा है उसका, देख रहे सब टायर में लगा हुआ है। वहाँ पे देखिए डीजल टंकी के पास फोटो लगाया है, मस्त लग रहा है इसका गाड़ी। सब पंजाब साइड की गाड़ी है, बाहर की गाड़ी है, सब बॉडी जहाँ बनता है वहीं मिलता है, सब पेंट उंट वगैरह, सब स्टिकर वगैरह सब उधर ही मिलता है। कंटिन्यूअस गाड़ी है, टंकी तो दिखेगा नहीं तो कहाँ से लगेगा। चलो टाइम भी हो रहा है, बनाया जाए, भुजा भजा जाए। चलो दोस्तों अभी हम लोग खाना बना रहे थे, तब तक कुछ भाई लोग आए हैं, सब्सक्राइबर भाई लोग मिलने के लिए। अब सुबह ब्लॉग देखा था, मालूम चला। सुबह ब्लॉग कहाँ से आए? हम लोग चेंगड़ा बंदा से। चेंगड़ा बंदा, बाप, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, बांग्लादेश बॉर्डर के पास, बांग्लादेश बॉर्डर। चलिए बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ हमसे मिलने हैं यहाँ पर, समझे। ऐसे तो आप लोग दिन भर रहेंगे, आज प्रोग्राम तो है आगे दिन भर घूमने के लिए, फिर देखते हैं कब निकलते हैं। आते हैं चाय पी करके, चला जाए चाय पी करते हैं। दोस्तों अभी पापा चले गए चाय पीने के लिए, और ये देखिए मछली को हम अच्छे से धो दिए है, पूरा साफ हो गया अच्छे से, और इधर प्याज काट दिए है और ये सब अभी काटना बाकी है। ये पापा थोड़ा टमाटर ज़्यादा डाल देते हैं, ये देखिए चार टमाटर, यही चार ही बचा हुआ है, तो इसको काट देंगे और इसको अभी साइड में करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इधर मछली पूरा धुल गया है और मसाला डाल के रखे हुए हैं। दोस्तों सबसे बड़ा समस्या यही होता है कि सरसों जो है ना वो गोटा रहता है, वो बुका हुआ मिलता नहीं है और हम लोग को बुकना पड़ता है। तो बुकने के लिए यही अपना पास जुगाड़ देते हैं गिलास, और इसे देखिए बुका जा रहा है अभी, देखिए ये अभी हम लोग बुक रहे हैं इससे। तो दोस्तों अभी ये मसाला जब बन जाएगा, मतलब अच्छी तरह से पेज कूट जाएगा, तब हम जाके वहाँ बैठेंगे उधर, तब अपना स्टार्ट करेंगे सब मसाला उसका। देख सकते हैं धूप, यहाँ भी कोई धूप का कोई नामो निशान नहीं, यहाँ पर भी हम लोग ऐसे ही खड़े हैं, सब ठंडा में कब कितना बच जाता पता नहीं चलता है। दोस्तों मेरा कढ़ाई चढ़ चुका है, तेल भी देखिए गर्म हो गया है, अब देखिए सब चीज रेडी है हमारा, अब जा रहे हैं इसको तल के निकालने के लिए। ये देखिए हम जा रहे हैं डालने इसमें, दोस्तों मछली तल के निकाल दिए हैं
और मेरा मसाला भी तैयार है, जीरा गोली की वजह से पीस कर रखे हुए हैं। और ये देखिए प्याज भी कट के रेडी है, तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब चले प्याज भी इसमें भूनने के लिए। प्याज थोड़ी डाला है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें सरसों ज़्यादा डालता है, प्याज थोड़ा सा डाल रहे हैं। इसको तल के अच्छी तरह से निकालना है, निकालना क्या इसी में फिर इसको मसाला भी भूनना है। तो पहले मेरा मसाला जाएगा, सबसे लास्ट में मछली का आइटम जाता है, मसाला पूरा पकने के बाद सबसे लास्ट में मछली जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं प्याज मेरा पूरा लाल हो चुका है। अब जा रहे इसे मसाला डालने के लिए। ये इसका मसाला है, सारा चीज़ इसी में मिला दिए हैं, सरसों कुछ ज़्यादा ही है। दोस्तों अभी तक कोई कॉल नहीं आया है, मतलब आया है तो दूसरे जगह से आया था कॉल हमारे पास, तो हम बता दिए हैं कि भाई हमको पैसा नहीं मिला अभी तक, कोई अभी तक बात नहीं हुआ पैसा का, इसलिए खड़े अभी हम लोग। दोस्तों पार्टी का कहना है कि गाड़ी जब यहाँ तक आ गया है तो गाड़ी पूरा जगह पर पहुँचा दीजिए और खाली करवा दीजिए माल। तो खाली कर देने के बाद क्या ना कि जब अभी नहीं सुन रहा है तो उस समय क्या सुनेगा, उस समय तो कोई फ़ोन उठाएगा नहीं, फिर हम भी फंस जाएंगे। तो मेरा भी ट्रांसपोर्टर कहना है कि जब तक वो पैसा नहीं डालेगा तब तक मतलब आगे बढ़ना नहीं है वहाँ से, तो इसीलिए हम लोग खड़े हैं और कोई बात नहीं है, ट्रांसपोर्टर हमसे बात कर रहा है। दोस्तों मेरे पास भी डीजल नहीं है, डीजल ख़त्म हो चुका है लगभग। अब हम क्या कि खर्चा भी चाहिए, उधर भी खर्चा है, बॉर्डर का खर्चा है, रास्ते खर्चा है, बहुत खर्चा है उधर। तो जब तक पैसा मिलेगा नहीं, हम यहाँ जाने वाले नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा मेरा गाड़ी कभी लेट नहीं होता है और ना ही कभी हुआ है, लेकिन इस कारण से हमारा लेट हो रहा है। हम ट्रांसपोर्टर को बार बार प्रेशर दे रहे हैं, तो वो भी अपनी बात कर रहे हैं अभी कि चलो भाई ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो हम भाई खोटी लेंगे, फिर मेरा गाड़ी बहुत ज़्यादा मार खा रहा है मेरा, इतना समय में तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, फिर तो गाड़ी चलेगा नहीं तो फिर क्या कहाँ से पैसा बचेगा। सेट का तो अलग बात है, मेरा भी नहीं बचेगा, मेरा भी गाड़ी खड़ा रहेगा तो हमको कहाँ मिलने वाला उतना, फिर गाड़ी चलेगा तो ही हमको भी मिलता है। तो सेट का भी कहना यही है कि अब अगर गाड़ी खाली कर देते हैं तो जो पैसा आने वो भी नहीं आएगा, इससे अच्छा खड़ा कर दो जो होगा तब तक। देखिए मेरा टमाटर भी ये लास्ट बचा हुआ है, ठंडा में यही चीज़ होता है कि टमाटर वगैरह मिर्चा ये सब ख़राब नहीं होता है, यही गर्मी रहता तो एक से दूसरे दिन में ख़राब हो जाता है। देखिए टमाटर मेरा ख़राब नहीं हुआ है, लास्ट है, इसको डाल देते हैं फिर नया टमाटर लेकर रखेंगे। दोस्तों पानी डाल दिए हैं, मसाला अच्छी तरह से भून रहे हैं, पूरा अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद इसमें टमाटर जाएगा, क्योंकि मसाला अगर भुजा जाएगा तब टमाटर डालेंगे, तब इसका तरी जो है पूरा अच्छी तरह से बन जाएगा। और इस बार हम लोग सरसों जो है पीला ला यूज किए हैं, दो किस्म का होता है काला और पीला, तो हम लोग काला इस बार पीला ला यूज किए हैं, इसलिए कलर देख रहे हैं इस टाइप का हुआ है इसका, ये देखिए पीला सरसों का कलर। दोस्तों मछली अच्छा तरह भूंज के निकाल लिए थे, ये देखिए मेरा तरी भी जो है वो भी बन ही गया है, पूरा डबक रहा है, टमाटर वगैरह सब गल चुका है, अब जा रहे हैं इसको उसमें डालने के लिए। दोस्तों एक किलो मछली लिए थे और यहाँ पर क्या है कि ये मछली 200 रुपये केजी है, और भी मछली था तो किसी का 180 रुपया क्या है, तो हम लोग यही मछली ज़्यादातर खाते हैं, ये मछली में थोड़ा टेस्ट ज़्यादा रहता है इसलिए यही मछली ज़्यादा हम लेते हैं हम लोग। और दूसरा मछली क्या है कि समझ में नहीं आता है तो हम लोग नहीं लेते हैं, जो हमेशा खाते हैं वही लेते हैं। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमारा खाना बन गया, ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं मेरा खाना बन चुका है और सागर जा रहा खाने के लिए, और ये मेरा रोटी है। तो रोटी क्या है कि अभी हम लोग ठंडा में रोटी ही खा रहे हैं, और चावल तो ऐसे ही बहुत कम कर दिए हैं कि ठंडा में इतना ठंडा कि चावल तो खिलाई नहीं जाएगा, और चावल ऐसे भी बहुत हम लोग मतलब ना के बराबर खाए, अभी तक हम लोग लगता है घर पर ही चावल खाए हैं, बाकी बाहर कहीं भी खाए तो रोटी ही खाए हम लोग। टेस्ट भी दोस्तों मछली का अच्छा लग रहा है, जो पीला सरसों इस बार डाले तो ठीक है, कलर भी सही आया पूरा ना, लग रहा पहले से। सरसों दो किस्म का होता है, काला और पीला, तो हमको तो खुद नहीं पता है कि दोनों में क्या फर्क है, हम तो काला और पीला ही जानते हैं, अब टेस्ट में फर्क पड़ता है क्या पड़ता है ये पता नहीं हमको। दोस्तों मछली तो बहुत ही टेस्टदार बना है, और बंगाल है और मछली ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मछली तो यहाँ बहुत किस्म मिलता है, छोटा बड़ा ताजा भी मिलता है, तो हम लोग आते हैं बंगाल तो एक बार मछली जरूर खाते हैं। तो देखिए मछली आज भी खा रहे हम लोग, बहुत ही अच्छा टेस्ट बना है। दोस्तों अभी हम लोग खाना खा लिए हैं और देखिए हम बोल रहे हैं कि बाहर टहलने जाने तो नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं रात में खाना पचाते हैं, ऐसे दिन में खुद पच जाएगा, बताइए। रात में खाना खाकर टहलने की चीज है, दिन में तो आप इधर उधर चलते ही रहता है इससे भी। हाँ तो अभी भी तो वही ना होगा कि पेट में रहेगा और पचेगा नहीं, ऐसा ठंडा ठंडा ही बहुत है, जाएंगे थोड़ा दूर तो जाएंगे, क्योंकि गर्मी के दिन रहते चलो कोई बात नहीं, चले चले उतरे 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 बार बार बोल के करवाना पड़ता है। दोस्तों डाइटिंग इनसे हो नहीं रहा है, पता नहीं कैसे होगा, चलिए उतरिए। डाइटिंग दोस्तों इनसे करवाएंगे ही, इसलिए इनका अभी 2 रोटी सिर्फ बनाए थे, 2 रोटी उनका भी और अपना भी बनाए थे, 2 रोटी खाए हैं अभी, और थोड़ा टहलेंगे तब जाके खाना पचेगा, यहाँ से वहाँ दौड़ के आइए एक राउंड, दौड़ के नहीं आए चल के जाएंगे।
अभी देखिए गाड़ी भी बहुत ज्यादा कम हो गया, बस इतना ही अब बचा है। ये लोग भी अभी चले जाएंगे एक दो घंटा के बाद या फिर शाम में। ये मोच वाला गाड़ी तो शाम में जाएगा और बाकी ये लोग तो खड़े कल से। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और फिर हम लोग तो खाना वाना खा के फिर थोड़ा सो गए थे। ये देखिए लेटे हुए थे पूरा ओढ़ के, और अभी पापा बाहर गए हुए थे तो जाके मोजा लेके आए हैं। इतना ज्यादा ठंडा है कि यार ग्लव्स लेकिन नहीं मिला। अब ग्लव्स मिल जाता तो और ज्यादा सही रहता। ग्लव्स भी मिल जाएगा, एक दुकान अभी खोला नहीं था वो, और हो सकता है कि ठंडा कारण जल्दी बंद कर दिया है, तो देखेंगे कल मिल जाए शायद। तभी पैर पहन लेते हैं, पैर बहुत ठंडा लग रहा है एकदम पैर में। बहुत ज्यादा अभी दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस चल गया है ना, इतना ज्यादा ठंडा हो गया है, इसलिए पापा को बोले थे मोजा लेते आने के लिए। अब दो हम लोग कम्बल ओढ़ के, लेकिन फिर भी इतना ठंड लग रहा है, बताइए। गाड़ी से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है किसी तरह। हम गए थे अभी चाय पीने के लिए तो देखे दुकान खुला था तो ले लिए मोजा भी पहन के रखते हैं। ऐसे तो चप्पल पहन रहे हम लोग तो दिक्कत हो जाएगा, ज्यादा ही गंदा हो जाएगा ये सब अभी। और दोस्तों वो जो ट्रांसपोर्टर वाले थे वो भी अभी तक हम लोग को कुछ नहीं बताया कि हम लोग कल यहाँ से निकलना है कि नहीं। और जो हम लोग का सबसे लंबा ट्रिप था वही सबसे थोड़ा खराब ट्रिप बन गया। अभी तक कुछ ऑर्डर नहीं आया है, अभी तक उनको पैसा भी नहीं मिला कुछ भी, थोड़ा ही पैसा मिला और उसके बाद फिर कुछ नहीं हो रहा है। वो बोल रहे खड़े रहो, सेठ जी भी बोल रहे खड़े रहो, अब देखिए कब तक खड़े। अभी हमको लग रहा है एक दिन और शायद खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से। दोस्तों रात के 9 बज रहा है और देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ कोहरा होने लगा है पूरा एकदम। दोस्तों रात में यहाँ पे जो डिग्री जो है 10-12 सेल्सियस चल जा रहा है। मेघालय का तो सुनते हैं कि बहुत ही ज्यादा मतलब ये है, वहाँ पर रात में 2-3 हो जा रहा है, तो देखते हैं वहाँ जाकर के। ऐसे तो कमल उमल है अपने पास, लेकिन हो सकता है कि वहाँ जब जाना होगा तो यहाँ पर बिकता है कमल उमल बिकता है तो लेके ही जाएंगे, क्योंकि उधर का हमको लग नहीं रहा है कि वहाँ कंपनी में भी, अब बड़ा कंपनी में जानने करते हैं एक दो दिन लगता है ये खाली करने में भी, तो हमको लगता है कि एक दो कम्बल लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि जब यहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वहाँ पर क्या हाल होता होगा। तो ठीक है दोस्तों, अभी ठंडा में बहुत ही ज़्यादा है तो हम लोग जा रहे हैं गाड़ी के अंदर में अभी, और ज़्यादा बाहर भी नहीं रहते हम लोग ठंडा में। सब गाड़ी देख, कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सब अपने अपने गाड़ी में है, सब अपना। पहले हम लोग क्या करता ना कि स्टोव रखते थे तो हम लोग गाड़ी में जला दिया करते थे, अब तो गैस का ज़माना है, गैस थोड़ा जलता है तो अखरता है। स्टोव तो पहले हम लोग डीजल से जलता था, डीजल निकाल करके जला दिया, गाड़ी के अंदर पूरा जला के रखते थे हम लोग। तो ठीक है चलते हैं गाड़ी में। अब दोस्तों हम जा रहे खाने के लिए, तो ये देखिए आप अभी रोटी क्या किए कि यहाँ होटल से ले आए और अंडा का भुजिया ले आए, ये दोनों ले आए हैं, और बाकी मछली तो हमारा पहले ही से बचा हुआ था तो वही खा रहे अभी। दोस्तों खाना तो अपना हो गया, अब हम लोग सोने की तैयारी में है। अब देख सकते हैं डबल डबल कम्बल कर लिए एकदम, पूरा डबल डबल कम्बल है हम लोग का। और इस कहेंगे कि ठंडा में जैसे कि बहुत सारे लोग पानी पीना छोड़ देते हैं, तो पानी पीना भी जरूरी है, क्योंकि शरीर का पानी जो निकलता है ना तो उसका कोटा पूरा करने के लिए। हाँ गर्म पानी करके पिए, लेकिन जरूर पिए पानी, पानी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग भी पीते हैं, देखिए बोतल भी रखे हैं हम लोग, पानी पीते रहते हैं पानी। और सुबह जो चापाकल का गर्म पानी मिल जाता है या तो फिर गर्म करके पी सकते हैं पानी, लेकिन पानी छोड़ना नहीं है, पानी पीते रहना, उससे कमजोरी आ जाएगा और चक्कर भी मारता है फिर इसमें। तो दोस्तों अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि कल का तो हम लोग कल देखेंगे क्या होता है। अभी 2-4 बार बात हुआ है फोन में भी, तो कई पार्टी लोग बात किया हमसे, बोला कि 8 बजे फोन करते ही करते, फिर कॉल आया नहीं, अब देखते हैं कल क्या होता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कल का रिजल्ट बड़ा क्या आता है। हम लोग निकल रहे हैं कि फिर भी रुक रहे हैं यहाँ पर, तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।